Stay. Don't move. लव स्टोरी है ये फिल्म और बहुत म्यूजिकल लव स्टोरी है और हर स्क्रिप्ट अपने आप में एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत अलग कुछ किया है, बट जो एक इसमें इंटेंस जो लव है वो बहुत अच्छा है और जो हमारे दो कैरेक्टर हैं अध्ययन एंड सारा, ये दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फिल्म में। तो आपको क्या लगता है अर्जुन जी कैरेक्टर के लिए परफेक्ट बैठे आपने क्या? बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टर है, क्योंकि जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी तो मुझे ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत थी कि जो देखने में बहुत ही सॉफ्ट रहे, लेकिन इस कैरेक्टर का एक ग्रे शेड भी है अपनी फिल्म में। तो वो जब मेरे पास थॉट आया तो मुझे ऐसा लगा कि एक सॉफ्ट जो फेस है वो अगर ग्रे में अगर तब्दील होगा तो कैसा होगा, तो अध्ययन बिल्कुल उसमें परफेक्ट बैठ रहा है हमारा। और हीरोइन की बात करें तो हीरोइन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है सारा इज़ अ मॉडल, वो मॉडलिंग से ही आई है इंडस्ट्री में, तो वो उसका कैरेक्टर है और बहुत ही बबली कैरेक्टर है, बहुत ही प्योर कैरेक्टर है। इट्स ए प्योर बबली गर्ल जो कि हम दिखा रहे किसी पहाड़ से आई है और पहाड़ के लोग बहुत ही पायस होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, जैसा बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं और सारा कैरेक्टर में बिल्कुल फिट है अपने फिल्म में। 90% आजकल बॉलीवुड में सब लव स्टोरीज चालू है, तो इसमें क्या दर्शकों को नया देखने मिलेगा कि जब आपकी फिल्म आके वो देखे या कुछ समझे, कुछ सोशल मैसेज समथिंग लगता है? नया ही नया दिखेगा, क्योंकि हर एक स्टोरी और जो एक लव स्टोरी होती है और हर लव का एक अपना एंगल होता है और हमारी फिल्म में भी लव का एक डिफरेंट एंगल है। तो आई थिंक मैं अभी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही अलग अंदाज में फिल्म लगेगी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि दर्शकों को कभी फिल्म देखने मिलेगी? ये फिल्म हम वैलेंटाइन डे पर रिलीज़ करने की सोच रहे हैं अगले साल 2015 में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर इधर से कहाँ लेंगे, छुप के खींच लें। कैसे है? इंटेंस वाली केमिस्ट्री, बिकॉज इट इज़ एन इंटेंस फिल्म और कुछ अलग है इस केमिस्ट्री में, ये मैं मानता हूँ। और वो क्या है ये मैं नहीं जानता, बिकॉज मैं खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रीन पे हाउ डज़ इट लुक सो नेचुरल, और मैं इससे पहले उन्हें जानता नहीं था। और कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी केमिस्ट्री जो है वो ऐसी बन जाती है, जस्ट बिकॉज आप डिनर पे चले जाएं किसी के साथ या पिक्चरें देख लें उससे केमिस्ट्री नहीं बनती है। इधर द केमिस्ट्री इज़ देयर और द केमिस्ट्री इज़ नॉट देयर। इन आर केस द केमिस्ट्री इज़ हॉट, सो आई रियली होप व्हेन द फिल्म कम्स आउट पीपल फाइंड इट हॉट। नो इट्स नॉट हॉट इन रियल लाइफ, इट्स नॉट हॉट इन रियल लाइफ, वेरी कोल्ड इन रियल लाइफ, इट्स जस्ट फॉर ऑन स्क्रीन। आज का सीन ये था सर कि सारा जो है वो बहुत ही छोटे शहर से आती है और पहली बारी उनकी एंट्री एज अ मॉडल हुई है। एंड आई एम द फोटोग्राफर एंड आई जब मैं जाता हूँ दार्जिलिंग उनसे मुलाकात होती है, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारे में वो बात है जो एक हर एक सुपर मॉडल के लिए है। और मैं उनको बोलता हूँ कि ज़िंदगी कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती है, तो मैं तुम्हें बॉम्बे बुला रहा हूँ, आई थिंक यू शुड कम। और बहुत सोचती है, सोचने के बाद वो बॉम्बे आती है। फिर यहाँ से उनका जो एक जर्नी शुरू होती है फ्रॉम बीइंग एन एमेचर मॉडल टू बीइंग अ सुपर मॉडल, एंड आई एम द गाय हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हर अ सुपर मॉडल इन द फिल्म। तो ये पहला जो था वो उनका शॉट था जहाँ पे शी इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल वेयरिंग अ बिकिनी, स्पेशली बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, शी डजंट नो हाउ टू मूव, शी डजंट नो हाउ टू पोज। तो यहाँ से शुरुआत होती है इनकी करियर की। जी नहीं, अच्छी बात है सर। आई थिंक अगर आप लव स्टोरी कर रहे हैं और लव स्टोरी में इंटेंसिटी ना हो और लव स्टोरी में केमिस्ट्री ना हो तो फिर फिल्म करके कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सारी चीज़ों के लिए मैंने प्लान नहीं किया था, ना ही उन्होंने प्लान किया था, ये सब हो गया। एंड इवेंचुअली व्हाट मैटर्स कि पर्दे पर आप कैसे लग रहे हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी एंड दैट्स व्हाट मैटर्स टू हर, एंड आई थिंक दैट इट लुक्स गुड। लिंकअप और मैं जो है वो बहुत ही पुराने बिछड़े हुए दोस्त हैं। हर फिल्म में मुझे लिंकअप किया गया अपने कोस्टार के साथ और मैंने अब अपने आप को एक्सप्लेन करना भी छोड़ दिया है, कोई फायदा नहीं है उसके बारे में। कंगना के साथ जो लिंकअप था वो उसमें थोड़ी तो सच्चाई थी। नहीं, वो जो मेरा रिश्ता था आई थिंक उसे खत्म हुए में 4 साल हो गए, अब मैं उस टॉपिक से बोर हो गया हूँ। हाँ, इस फिल्म को क्या प्रोड्यूस मेरे पिताजी कर रहे हैं? नहीं सर, आई विश कि मेरे फादर के पास इतना पैसा होता कि मेरी सारी फिल्में प्रोड्यूस कर पाते, लेकिन आई थिंक दूसरों में दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं शायद उन्हें विश्वास है मेरे काम पर, इसलिए मैं आज 4 फिल्में कर रहा हूँ और वो कोई भी फिल्म मेरे फादर प्रोड्यूस नहीं कर रहे। कौन कौन सी फिल्में? अभी तो ये फ्लोर पर है, नेक्स्ट फिल्म है लखनवी इश्क करिश्मा कोटक के साथ, उसके बाद है DNA ऑफ लव विद अमित कसारिया, उसकी लड़की भी फाइनलाइज नहीं हुई है, और उसके बाद मेरी 4th फिल्म है विच इज़ बीइंग को प्रोड्यूस्ड बाय माय बैनर विमल एंटरटेनमेंट विच विल बी डायरेक्टेड बाय माय